अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं बना रही हूँ कोल्ड सैंडविच। इसकी रेसिपी मैंने पहले भी डाली हुई है, लेकिन आज मैं ज़्यादा सारे बना रही थी। हमारे फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है तो मैंने वहाँ लेके जाने थे, तो मैंने कहा क्यों ना दोबारा से रेसिपी डाल देते हैं। चलें मिलकर शुरू करते हैं। चीज़ें उसकी ये हैं, सारी कुछ आपके सामने दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्योंकि जब आप बनाने लगें तो उस वक्त आपके पास ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम चीज़ तो प्लान कर लेते हैं कि ये बनाते हैं, लेकिन जब हम चेक करते हैं तो हमारे किचन में उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं। अभी देखिए, मैंने चिकन बॉईल करके और उसको मैंने चॉप कर लिया हुआ है। अब इसके अंदर अंडे जाएंगे, ये भी मैंने मैश करके रखे हुए थे। और इसके अंदर मैंने आइसबर्ग सलाद डाला है, बंद गोभी नहीं डाली, मैं वो नहीं डालती हूँ, हमेशा इसके अंदर आइसबर्ग सलाद डालती हूँ। और ये इसके अंदर ब्लैक पेपर चली गई है, और ये ओरिगानो जो इसके टेस्ट को बहुत अच्छा करता है वो ओरिगानो है। ये आप कभी भी नहीं भूलिएगा, इसके अंदर डालना मस्त डालिएगा। इसके अंदर नमक इसके अंदर जाएगा, और ये इसके अंदर जाएगा मायो, और साथ में इसके अंदर क्रीम भी जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा सारे बना रही हूँ। जो मेरा चिकन है ये 500 ग्राम है, तो उस हिसाब से भी मैं चीज़ें ज़्यादा डाल रही हूँ ना। ये क्रीम की मैंने जितनी मैंने आपको दिखाई है, ये सारी की सारी मैंने इसके अंदर डाल दी है। अब हमने इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसका पेस्ट रेडी कर लेना है। ये देखें, ये इसका सारा मिक्सचर तैयार हो चुका हुआ है। और अब हमने इसकी फिलिंग करनी है। फिलिंग आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें ज़रा मोटी लेयर लगा रही हूँ इसके अंदर, ताकि इसके अंदर टेस्ट अच्छा आए। आप चाहें तो इसके अंदर आप आइसबर्ग सलाद का भी रख सकते हैं, पूरा भी उसके अंदर एक ब्लाट उसके अंदर रखें, और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप टमाटर भी रख सकते हैं। जो भी आप उसमें ऐड करना चाहें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी ये मैंने सिंपल वाला बनाया, सिंपल फिलिंग की है इसके अंदर, और इसको हमने कट कर लिया, और हमारा मज़ेदार किस्म का कोल्ड सैंडविच जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी पहले फिलिंग की है सारी इसके अंदर मिक्सचर की। अब इसके अंदर टमाटर आइसबर्ग सलाद की हमने फिलिंग की, और अब इसको हमने कट करना है। जिसको जो पसंद हो वो बना ले। ये देखिए कितनी मज़े की इसकी लुक बन गई है, जूसी किस्म का हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मैंने ये ढेर सारे बना लिए हैं, ये मैंने अपनी प्यारी प्यारी फ्रेंड्स के लिए बनाए हैं, उनको खिलाने के लिए। उम्मीद है उन सबको भी बहुत पसंद आए होंगे। आपको भी पसंद आए, रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा, मस्ट ट्राई कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ये वाला सैंडविच बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।